हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई हमारे ब्रेजा से रिलेटेड। तो भाई ब्रेजा के अंदर आज हम एक न्यू मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। तो कैप्शन तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। तो भाई आज अपनी गाड़ी के अंदर हम अपनी ऐप कंट्रोल एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे इंस्टॉलेशन होती है, कैसे इसकी फाइनल लुक आ रही है, कितने उसमें कलर्स होते हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है सब कुछ मैं आपको दूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। So guys, साथ के साथ वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोग अपनी गाड़ी के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट सर्च कर रहे हो और आप लोगों को वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, भाई आप लोग वो सर्च कर सकते हो अपना bodmo.com पे। बॉडमो अपनी एक भाई ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को हर एक गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, वेदर इट बी BMW, VW, Skoda, Audi, Mercedes, Jaguar, कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बम्पर हो गया, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, स्टेयरिंग हो गई, रेडिएटर हो गया, सीट्स हो गई, मतलब भाई जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं सारे कुछ आप लोगों को बॉडमो पे अवेलेबल है। पैन इंडिया डिलीवरी है, मतलब भाई आप इंडिया के कॉर्नर किसी भी कॉर्नर से हमारी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को स्पेयर पार्ट चाहिए तो भाई आप घर बैठे बैठे ही अपने स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो ऑर्डर भाई आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके करो या आप उनकी ऐप से भी जाके कर सकते हो। जो ऐप है अपने भाई iOS और जो एंड्रॉयड वो दोनों के लिए ही अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। तो एक बार मैं आप लोगों को उसकी ऐप भी दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, फिर करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पर हमने अपनी बॉडमो की ऐप ओपन कर ली है और यहाँ पे आप लोगों को भाई तीन ऑप्शन दिख रहे हैं सर्च करने के लिए। सबसे पहले भाई यहाँ पर टाइप योर क्वेरी, मतलब जो भी आप लोगों को अपना पार्ट चाहिए वहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है भाई ये सर्च बाय कार और थर्ड ऑप्शन है भाई सर्च बाय विन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भाई फर्स्ट ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे कि हमें कोई भी पार्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम डाल लेते हैं स्विफ्ट हेडलाइट, तो जैसे हम वो लिखेंगे इसमें भाई कुछ डिटेल्स मांगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए थी। हमने मारुति स्विफ्ट डाल दी, कौन सा आप लोगों का ईयर है हम 14 डाल देते हैं और हम ये एलेक्सा वेरिएंट सर्च कर लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आप देखोगे भाई यहाँ पर हमारी जो पूरी लिस्ट आ चुकी है, जो भी हमें पार्ट चाहिए था वो हमारा आ चुका है। बाकी भाई सेकंड ऑप्शन जो है वो है सर्च बाय कार, तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स जाननी है, अगेन हम डाल देते हैं भाई होंडा, साथ में भाई मॉडल की कौन से आपकी गाड़ी है हम डाल देते हैं भाई इसके अंदर सिटी। अभी आपसे ईयर पूछेगा कि कौन सा है तो हम डाल देते हैं इसके अंदर 2018 और मॉडिफिकेशन मतलब कौन सा आपका वेरिएंट है, तो हम इसके अंदर कोई भी रैंडम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को आप देख सकते हो भाई दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक सर्च पार्ट्स का और एक सर्च OEM कैटलॉग। तो हम जैसे ही सर्च OEM कैटलॉग पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे भाई पूरी कैटलॉग आ गई है और इसके अंदर जो भी आपको पार्ट चाहिए, जैसे कि बॉडी पार्ट से चाहिए था उससे रिलेटेड सारे पार्ट आ गए। अगर आप सेकंड चीज़ देखोगे उससे रिलेटेड सारे पार्ट आ गए, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और जो लास्ट ऑप्शन है भाई वो है सर्च बाय विन, मतलब आप अपनी गाड़ी का जो विन नंबर है उससे डाल के भी आप जो डिटेल्स है वो ले सकते हो। तो भाई आप लोगों ने देख लिया है कि भाई ऑर्डर करना कितना आसान है। तो ये तो बात हो गई पूरी बॉडमो की, अगर आप लोगों को ये भी ऑर्डर करना है तो आप भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पे भाई लिंक है और वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, हमारी एम्बिएंट लाइट की जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, ये रही पूरी हमारी एम्बिएंट लाइट, ये रहा उसका लेंस जो प्रॉपर तरीके से हमारा इंस्टॉल होने वाला है। तो एक बार मैं आप लोगों को लोकेशन भी बता देता हूँ कहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भाई कुछ इस जगह पर हमारी जो एम्बिएंट लाइट है इंस्टॉल होगी, तो आप कह सकते हो कुछ यू टाइप में होगी, तो चारों डोर्स के अंदर इसी जगह पर होगी। और डैशबोर्ड में भी देखते हैं भाई इस जगह पर करेंगे या ऊपर करेंगे या सेंटर में करेंगे, तो डिपेंड करता है कहाँ पर स्पेस है, क्योंकि हर कार में हर जगह अलग अलग होती है। पीछे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, पीछे की इंस्टॉलेशन हम कुछ इस जगह पर करने वाले हैं। तो अभी भाई जो हमारा काम है वो डोर्स रिमूव करने का काम चल रहा है, तो एक बार इसे भी होने देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा वायरिंग वगैरह डलेगी और जब इसके अंदर प्रॉपर ट्यूब वगैरह इंस्टॉल होगी वो चीज़ आपके साथ में शेयर कर। सो गाइस, अब हमारी जो एम्बिएंट लाइट की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, ये रही हमारी पूरी ट्यूब जो बेसिकली जो हमारी रोशनी है पूरी रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप लोग देख सकते हो भाई कोई इसके अंदर फेविकोल एलफी वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट आप लोगों की जो स्पेसिंग होती है उसी के अंदर बिल्कुल स्नग फिट आ जाती है। आप चेक कर सकते हो, देखो अपने यहाँ पे पूरी इंस्टॉल होती हुई जा रही है। बाकी भाई एक डोर हमारा हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कंप्लीट अपनी भाई इस एरिया के अंदर इंस्टॉल हो गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इस जगह पर इंस्टॉल होगी। तो कोई भाई आप लोगों को जो डोर की कटिंग वगैरह है ऐसा कुछ नहीं होती, जिन भाइयों को लगता है कि यार कटिंग हो गई या डोर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अपने सिंपल देखो भाई कितने इजी तरीके से इंस्टॉल हो रही है। एक गेट की और हमारी हो चुकी है, ये देख सकते हो फ्रंट के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, रियर की हमारी चल रही है, इस डोर के अंदर भी इंस्टॉलेशन होगी। तो ये पूरा आप चेक कर लो, बाकी कनेक्शन वगैरह कैसे होंगे वो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बट भाई फिटिंग वाइज बहुत सही है। और पीछे भाई देख सकते हो ये रहा पूरा पाइप जो रिफ्लेक्ट करेगा,
तो एम्बिएंट लाइट के जो मैंने आप लोगों को आगे लेंस दिखाए थे वो उसके अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, तो जब कनेक्ट होंगे वो भी आप लोगों को साथ में लुक शेयर करूंगा। बट फिलहाल आप देख लो भाई कितने प्रॉपर तरीके से अपनी इंस्टॉलेशन हो गई है, तो इसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो भी आपके साथ में शेयर कर। तो भाई जो हमारे एम्बिएंट लाइट के पाइपिंग थे वो सारे गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं डोर्स के अंदर, आप चेक कर सकते हो बिल्कुल अपना भाई क्लीन सेटअप हो गया। अब जो नेक्स्ट काम है भाई वो हमारा वायरिंग इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो भाई जो एम्बिएंट लाइट की वायरिंग आती है वो पूरी एज इट इज बनी बनाई आती है, हमें ऐसे इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो ये रहा इसका भाई पूरा कंट्रोलर जिससे कंट्रोल होगी, जैसे कि आप लोगों को बताया था भाई स्टार्टिंग से ऐप कंट्रोल्ड है, बहुत सारे इसके अंदर कलर्स होते हैं, तो पूरी वायरिंग भाई हमारी डोर्स वगैरह में बिछ जाएगी, चारों डोर्स में और डैशबोर्ड में आ जाएगी। उसके बाद जब इसकी इंस्टॉलेशन होगी कैसे लाइट प्रोजेक्ट करता है उसकी जो फाइनल लुक है वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बाकी भाई सारा काम अभी चल ही रहा है और पीछे से भी वायरिंग आ जाएगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा लेंस भाई जो बेसिकली प्रोजेक्ट करने वाला है, तो एक बार इसे भी होने देते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो भाई वायरिंग भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारे भाई एम्बिएंट लाइट थे वो आप देख सकते हो ऑन हो चुकी है, जस्ट अब इसके डोर के साथ कनेक्शन करने का काम चल रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहा हमारा लेंस और ये रही हमारी पूरी एम्बिएंट लाइट की पाइपिंग जो इसके अंदर इंस्टॉल होगी बेसिकली। तो अभी चेक कर सकते हो, देखो भाई ये अपने इसके अंदर डाला और बस ये अपने देखो रिफ्लेक्ट करनी स्टार्ट कर दी है। इधर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी रोशनी आनी स्टार्ट हो गई होगी। तो भाई ऐसी बस इसका इतना इजी है कनेक्शन करना, तो ऐसी हमारे भाई चारों दरवाजों में कनेक्ट हो जाएगी, तो बैक के दो दरवाजों में तो कनेक्ट हो चुकी है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो तो भाई अभी फ़ोन से मैं आप लोगों को कलर चेंज करके सब कुछ दिखा दूंगा, तो जस्ट आप लोगों को पूरा एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाना था, तो एक बार इसे बिल्कुल फाइनल होने देते हैं, उसके बाद जब इसकी फाइनल लुक आ रही है आप लोगों को हर चीज़ में दिखाता हूँ। बाकी डैशबोर्ड के लिए जो हमने ऑप्शन रखा है वो हम यहाँ पर सोच रहे हैं लगाने के लिए, तो अभी इसे भी होने देता हूँ, उसके बाद सीधा आप लोगों को दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। Much later. सो गाइस अब हमारी जो लाइट है वो फाइनली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। तो भाई ये रहा हमारा फ़ोन जिससे हम इसे ऑन ऑफ करेंगे, तो यहाँ से भाई हमने कर दिया ऑन। तो ये ऐप कंट्रोल्ड है, यहाँ से आप अपना जो भी आपका मनपसंद कलर हो आप उस हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हो। देखो सारे कलर मैं अपने ऐप से ही चूज़ कर रहा हूँ इसके, बाकी भाई ब्राइटनेस वगैरह भी कम कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आप लोगों को ब्राइटनेस कम चाहिए, देखो कम हो गई और अभी से बढ़ा भी सकते हो। बाकी अगर मैं आप लोगों को पूरी अंदर से लुक दिखा दूँ, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है। डैशबोर्ड वाला एरिया भाई हमने यहाँ पे कवर किया था और मैं थोड़ा सा पर्पल कर देता हूँ, ये देखो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। इस साइड से भी दिखा देता हूँ डोर के अंदर, देखो। और भाई जब नाइट के अंदर जो उसकी फील है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ पूरी, देखो पूरे अंधेरे में कितनी अमेजिंग लग रही है, और इधर से पूरा एम्बियंस की लुक देखो। बाकी भाई पैरों के अंदर हमने इसके अंदर नॉर्मल वाइट लाइट्स लगा रखी है, आप चाहो तो वो भी अपनी ऐप कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। बाकी इसकी लुक देखो तो भाई आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लग रही है कैसे नहीं। मैक्सिमम कार्स में अपनी इंस्टॉल हो जाती है, और ये देखो भाई पूरी लुक। एक बारी मैं गाड़ी के इंटीरियर में बैठ जाता हूँ और बैठ के आप लोगों को कंप्लीट दिखाता हूँ। देखो पूरे जो एम्बियंस की लुक आ रही है पीछे वगैरह के साथ, और जो कलर आप लोगों को चाहिए उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अब जो हमारी पैरों वाली लाइट है वो भी बंद हो चुकी है, और देखो भाई लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट अप अपनी, और फिटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है ये इसकी। और वो देखो तो भाई ये तो बात हो गई कंप्लीट अपने इंस्टॉलेशन वगैरह की, अब बात कर लेते हैं भाई जो बाकी की डिटेल्स अपनी रहेगी। सो गाइस आप लोगों ने अपनी ब्रेजा की एम्बिएंट लाइट की कंप्लीट लुक देख ली है, सब कुछ कलर चेंज होते हुए भाई हर चीज देख ली है, तो आप लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसे लगी कैसे नहीं। भाई गाड़ी की जो लुक आ रही है ना अंदर से बहुत ज्यादा अमेजिंग आ रही है, और भाई जितने भी आप लोगों की लग्जरी कार्स है उसमें अभी आजकल आप लोगों को स्टॉक ये देखने को मिलती है, बट अब आपके पास ऑप्शन आ गया है ये आप अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हो। तो मैक्सिमम कार्स में भाई लग जाती है, कुछ कुछ कार्स होती है जिसके अंदर ये नहीं लग पाती, तो वो डिपेंड करता है जब आप इंस्टॉल करा रहे हो तो आप लोगों को पता लग जाएगा। बाकी इसके अंदर भाई बहुत सारी क्वालिटीज भी आती है, तो हमने अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉल कराई है। मार्केट में भाई आप लोगों को सिर्फ एम्बिएंट लाइट जो है वो 2500-2200 रुपए की रेंज में मिल जाएगी, पर अगर आप अच्छी क्वालिटी लगाओगे तो भाई आप लोगों को थोड़ी सी कॉस्टली ही मिलती है। बाकी अगर आप लोगों को लगानी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा डिटेल सारे कुछ अपने भाई मॉन्स्टर डिटेलर्स एंड कस्टम्स, वहीं पे सारे कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह हुई थी। अगर आप लोगों को भी करानी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर लेना और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग ले लेना। तो आई होप भाई आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को बताइए क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि हम गाड़ी से रिलेटेड मॉडिफिकेशन की वीडियो बहुत सारी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा एक नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।